आतंकवादी हमले पर जब से हम सरकार में आए हैं, पाकिस्तान के नापाक हरकत, मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। हम मोदी जी के आने के बाद कमी आई है, ठीक है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इसका गम है, लेकिन इस शहीद के खून का एक एक कतरा का बदला हम लेंगे, ये आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि ऋषि बेगूसराय का बेटा है और हमारे मित्र सुदर्शन जी का भगना, लेकिन खुशी इस परिवार में चार चार लोग इनके परिवार में आर्मी में थे, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्फेंट्री, मेजर, कर्नल, सभी पद पर, और ये लड़का इंजीनियरिंग पूरा नहीं रिजल्ट आया था उसी समय बैठा इसका हो गया, और ये इंजीनियर होने के बाद इसने देश की सेवा के लिए इन्फेंट्री को चूज किया, ऐसा इनके मामा जी ने और पिताजी ने बताया, और अभी तो एक साल भी नहीं पूरा हुआ था। अब एक बहन, दो बहन एक भाई था, बहन भी आर्मी में है, बहनोई भी आर्मी में है, और ये लड़का और इसकी छोटी बहन की शादी होने वाली थी नवंबर में, घर भी आने वाला था। अब समझ सकते हैं परिवार की स्थिति क्या होगा, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति में पूरा परिवार ने, पिताजी ने ही कहा आर्मी में ज्वाइन करो, उसको कई कंपनियों से था, ये गर्व भी है, लेकिन जो घटना घटी है समाज के लिए परिवार के लिए गर्व है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, दुख है कि चला गया। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बातें हुई दो तीन बार, परिवार को है कि कब हमारा बेटा का लाश आएगा वहाँ से, तो उन्होंने कहा है कि वो हेलीकॉप्टर से जम्मू आएगा, जम्मू से बाय फ्लाइट, स्पेशल आर्मी के फ्लाइट से दानापुर यानी पटना आएगा, पटना से फिर हेलीकॉप्टर से, लगता है अभी पूरा नहीं मिला है, फिर बेगूसराय आएगा, उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम होगा। ये गर्व भी है कि मेरा बेटा शहीद हुआ और दुख भी है कि नहीं रहा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।